Now, amid the ongoing debate over women's entry into Kerala's Sabarimala temple, BJP chief Amit Shah has thrown an open challenge to the left government to ban microphones in the mosque and then implement the Supreme Court order on Sabarimala. Speaking at Panchayat Aaj Tak in Jaipur, Shah has accused Pinaray Vijayan government of not removing loudspeakers from the mosque. Shah was referring to the Supreme Court order in which it's prohibited for installing loudspeakers on the towers of temples, mosques and other religious places of worship. Continuing his attack on the left, Shah said his party was not disobeying the Supreme Court verdict on Sabarimala, but he had the right to express his democratic opinion. सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो मान्य होगा फिर सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है और आप कहते हैं कि ये तो हमें मंजूर नहीं है तो सबरीमाला के फैसले के खिलाफ हम कहीं नहीं गए मगर फैसले के बारे में मैं अपना अभिप्राय तो व्यक्त कर सकता हूं सर आप वहां पे आपकी पार्टी विरोध कर रही है आपके केरल के अध्यक्ष का ऑडियो टेप आया जिसमें वो कहते हैं कि आंदोलन करो देखिए केरल के अध्यक्ष का ऑडियो टेप आया इतना नहीं भारतीय जनता पार्टी वहां डंके की चोट पर आंदोलन कर रही है सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा मैं मानूंगा आंदोलन करने का हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक अधिकार है क्या बात कर रहे हो राहुल जी हम अपनी भावनाएं व्यक्त करें किस प्रकार का देश चाहते हो आप हम हमारी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं हम हमारी भावनाएं व्यक्त न करें हम इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डो ऑर्डर एक मस्जिद पर से माइक उतारने का उसका केरल सरकार कुछ नहीं करती ये दूसरा ऑर्डर है उसमें हेलीकॉप्टर से ना जो कुछ हाथ में हथियार है वो सब झोंक दिया पूरे यात्रियों को त्राही त्राही कर दिया क्यों पार्शियलिटी है दो ऑर्डरों के बीच कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा मीडिया में से आप भी पूछोगे या नहीं पूछोगे ये पार्शियलिटी क्यों है मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं दो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के क्यों एक का ही अमल हो रहा है दूसरे का क्यों नहीं हो रहा है इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कोई ना देखे देखे हम देखेंगे हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन मुझे केरल से सवाल आया जानना चाह रहे थे आपसे कि आप कब आ रहे हैं सबरीमाला मैं जाऊंगा तब केरल वालों को बताकर जाऊंगा और चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाना है पार्टियों को तो राम अभी भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो हम सुप्रीम कोर्ट के सभी ऑर्डर के अमल की बात कर रहे हैं एक में आप कर रहे हो दूसरे में नहीं कर रहे हो कारण बताओ राहुल कुछ भी नहीं कर रहा हूं सर वो तो सीपीएम की सरकार मगर आप पूछते नहीं हो ना केरल सरकार पूछता हूं डंके की चोट पे पूछता नहीं नहीं केरल सरकार को क्या पूछा बताओ चलो मैं भी आज तक देखता हूं मेरे पास रिपोर्ट आती है काटी की सारी क्या पूछा है आपने केरल सरकार हमने पीएफआई पे इतना बड़ा ऑपरेशन किया पीएफआई नहीं सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर का अमल क्यों नहीं कर रहे मस्जिदों पर से माइक उतारने का वो पूछा होना ही चाहिए कल पूछे जरा एक एक घंटे का कार्यक्रम चलाइए चलिए हम कर देंगे लेकिन मगर सच चलाना आप 100% Right, so you would think that when you are a mega star whose film record all breaks all the records on very day they release, whose net worth is rumored to be around 350 crore rupees, whose word is gospel for the crores of his fan, then you would side with the law. Well, that's what is right and possibly what is just. Or if you think you are Rajnikant, you can be otherwise, you can express an opinion on the other side of the law. You feel it should not get in the way of, it should be a people's movement. Some religious sentiment actually we should not have. The man who enjoys the adulation of millions, whose fans are men and women alike, refused to support women's right to pray without discrimination, and even seemed to caution courts against ruling on such issues. This view now seems to be finding more and more support, with Rajnikant fans either welcoming it or staying away from expressing their opinion. You had also mentioned that in Sabarimala, because that's another big issue, that you feel that court should not, it should be something that tradition should, what is your feeling about now it's reached a point, so what some, is your sense? Some temple, there are old traditions actually. Old tradition actually, the court and whatever, no, they should not interfere in it because it is very sensitive things. Right. Very sensitive things, old traditions. It is better actually keep as it is actually. Yeah.
you feel it should not get in the way of, exactly. It should be a people's movement. Exactly. Some religious sentiment actually we should not hurt. You know, unlike other religions which are completely strictly regulated because they are word of God and they cannot be changed, Hinduism is completely amenable and elastic to change. But that change has to come from within. It has to come from the devotees. I don't think that that bulldozing a religion in a court of law is even constitutional in a secular country like ours. Rajinikanth kuda adu appadi Supreme Court appadi oru verdict pannirukka kudana da sollirukanga adha patti neenga enna nenikireenga adha patti edhum nenikala adha patti engalukku edhum therila nalada sami paathittu vandom adha patti onnum maatram illa engalukku Rajinikanth is someone who people look up to. He has the potential of shaping opinion. But with him seemingly thumbing his nose at the Supreme Court's verdict on Sabarimala, isn't he letting down all the women who struggled to avail the right given to them by the country's highest court? Rajinikanth is the latest politician to express his electoral consideration on right to pray and equality, while bowing down to the majoritarian sentiment will augur well for their vote bank. What does it say about their concern of right to equality, women's right and word of law? In Chennai, with video journalist Vijay, Lokpriya, India Today. All right, it was neither religion nor the milk of the human kindness. It was a googly. In fact, aimed to get India on the talking table. Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said Imran Khan's Kartarpur corridor was a googly thrown to India, after which India has to send two of its ministers. Even as Pakistan Prime Minister Imran Khan continued to bat for peace and ground at the groundbreaking ceremony of Kartarpur corridor on Wednesday. दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी और उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था उनको दो वज़रा को रुख्सत करना पड़ा बाद लेना खासा वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंगेज किया और हमें खुशी है कि वो आए क्योंकि हमारा हमारा जो पैगाम है वो अमन का है Now, after his googly remark, Imran's minister Shah Mahmood Qureshi shockingly insulted our foreign minister Sushma Swaraj. Mocking Sushma, Mahmood said, Pakistan was hoping to hold a meet in New York with Indian representatives, but don't know what happened, as he can't say if Sushma Swaraj was too shy to meet in New York. It seems that it was a political decision. Remember, Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi had earlier said Imran Khan's Kartarpur corridor was a googly thrown to India, after which India had to send two of its ministers. लोगों ने कहा क्या जरूरत थी खत लिखते हैं नरेंद्र मोदी को खत लिखते हैं कि आओ मिल बैठ कर बात करें और वो बिलाखिर तय कर लेते हैं कि हाँ न्यूयॉर्क में हमारे वज़राए खारजा आपस में मिलेंगे मिल बैठ कर बात करेंगे न जाने फिर क्या हुआ मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुषमा जी उस मुहर में शर्मा गई लगता ये है कि वहां की सियासत आड़े आ गई While his minister, Shah Mahmood Qureshi, mocks India, Imran, on the other hand, bats for peace. Listen in to what Imran Khan had said earlier. इस मौके का फायदा उठाते हुए ये फिर से कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा हम दो कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में मैं आज आप सबको फिर से आपको वेलकम करता हूं खुशामदेद कहता हूं और मुझे सबसे ज्यादा आपकी शक्ल के ऊपर देख के खुशी हुई कि आप वही आपकी शक्लों पे खुशी है जो एक मुसलमान जब वो मदीना जाता है तो हमारी शक्लों पे खुशी होती है तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के आज और मैं फिर से ये आपको वाज़े करता हूं कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे इसको बेहतर करेंगे ये कॉरिडोर बनेगा
और कॉरिडोर में जो दूर खड़े होकर लोग दूरबीनों से देखते थे वो खुद यहाँ दरबार इस दरबार पे आके रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं और इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। Day two of the big farmer protests in the national capital. The agitating farmers, led by All India Kisan Sangharsh Coordination Committee, will march from Ramlila Maidan to Jantar Mantar around 9 a.m. The march is likely to be stopped by the police at Jantar Mantar. The protesting farmers demand a complete farm loan waiver, remunerative minimum support price for their crops, along with adequate compensation for their crop failure. The farmers have come from Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal and Uttar Pradesh. Meanwhile, a group of Tamil Nadu farmers have threatened to march naked if they are not allowed to go to the parliament. Remember, the same Tamil Nadu group staged protests at Jantar Mantar last year with skulls of 8 dead farmers who had committed suicide owing to farm losses. Hey, Modi ji, hum aapse mangne kuch nahi aa rahe. इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि मांगने आ रहे हैं, जी जी जी। उनको याद दिलाने आ रहे हैं कि मोदी जी जब आप 4 साल पहले 4.5 साल पहले आए थे ना, आपने हमसे वायदा किया था, तो वायदा याद दिलाने आ रहे हैं। आपने हमसे वायदा किया था कि 1.5 गुना लागत का दाम होगा, C2 होगा जी। फिर आपने 2017 में इनसे कहा सबका कर्जा मुक्त कर दूंगा मैं, सबका साथ सबका विकास। इनको याद दिला रहे मोदी जी, जाने से पहले ये काम कर दो, काम कर दोगे बेशक वापस आ जाओगे, नहीं करोगे तो फिर वापस आने की आपकी गुंजाइश नहीं है। समर्थन मूल्य जो है 1.5 गुना देने की बात कही, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही, सारे मुद्दों पर ये सरकार झूठ बोलती है, किसानों के साथ मजाक करती है, किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। हर रोज पंजाब के में 3-3 किसान सेल्फास खाते हैं, 3-3 किसान दरख्तों के ऊपर फांसी ले लेते हैं। हमें उम्मीद है, दे रहे हैं हमको, हमें तो प्रोटेस्ट करना आए हैं, दे देंगे, हमका भाग पूरा हो जाएगा, पर ये नहीं देंगे हमको। हमको ऐसे फांसी लेनी भी पड़ती रहेगी, हमको सेल्फ हाउस खानी ही पड़ती रहेगी। संसद से मांग है कि आप संसद का एक विशेष अधिवेशन करवाइए। पता नहीं किन किन बातों पे संसद मिलती है, आधी रात को GST के लिए मिल लेते हैं, तो भाई किसान के लिए भी मिल लो। 2 दिन का विशेष अधिवेशन कम से कम करवाइए और किसान के 2 कानून पास कीजिए। पहला, किसान को अपनी फसल का दाम गारंटी से मिले, पूरा दाम और कानूनी गारंटी से मिले। और दूसरा, किसान को हर किस्म के ऋण से, कर्ज से एक बार मुक्त किया जाए। Farmers protesting in the heart of Delhi. They have come from across India to press for their long pending demands like better price for their crop and complete loan waiver. The farmers who marched their way into Delhi's Ramlila Maidan have one more demand. They want a separate parliament session to discuss the agrarian crisis in the country. Farmers from all over the country are converging in Delhi for a 2-day protest against the NDA government. They have a number of demands, but the 2 key demands this time are that they have prepared a private bill which says that the farmers need a one-time loan waiver. Hamara idhar kaam dhanda hai nahi, iske liye hum log idhar Rajasthan mein aaye. To kheti ka kya halat hai, kya ugate hain hum? Kya nahi, bhat kheti khali bani, thoda wo bhi mar gaya sab. Acha, kyun? क्या बारिश नहीं गिरा ना, बारिश नहीं, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो सरकार की मदद मिली कोई आपको? कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। The farmers' concerns are many and varied. These tillers from Haryana, for instance, claim they are not getting benefits of the government schemes. फसल बीमा योजना है, सरकार कह रही है बहुत सफल है, मिलता है आपको बीमा? मिलता है फसल? नहीं मिलता, सफल बिल्कुल नहीं है जी। पैसे काट देते हैं खाते में से और उसका कुछ नहीं मिलता जी। While protesters from Telangana want to highlight farmer suicides.
Farm suicides are a reality across states in India. From Telangana, all these women farmers have come where either their husbands or their farmers have committed, their fathers have committed suicide. Farmers from Tamil Nadu, who in 2017 got national attention with bizarre ways of protests to shock the nation, are also taking part. The march is being spearheaded by Swaraj Abhiyan founder Yogendra Yadav. संसद से मांग है कि आप संसद का एक विशेष अधिवेशन करवाइए. पता नहीं किन किन बातों पे संसद मिलती है. आधी रात को जीएसटी के लिए मिल लेते हैं तो भाई किसान के लिए भी मिल लो. पहला, किसान को अपनी फसल का दाम गारंटी से मिले, पूरा दाम और कानूनी गारंटी से मिले. और दूसरा, किसान को हर किस्म के ऋण से, कर्ज से एक बार मुक्त किया जाए. So far, 21 political parties, including the main opposition Congress, have supported the farmers on issues of loan waiver and minimum support price. The protest comes just months after a similar long march forced Maharashtra government to agree to many demands of the farmers. The protesters this time want their voice to be heard in the national capital by the country's top leadership. With Anand Patel in Delhi, Bureau Report, India Today. The crucial Supreme Court hearing on Rohingya deportation is going to be held today. The apex court will hear the government plea on Rohingya deportation. Government will inform the Supreme Court on the facilities being provided to the Rohingya refugees that are currently residing in India. Remember, the apex court had refused to intervene in the deportation of the 7 Rohingya refugees that were deported to Myanmar by the Indian government. For watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.